ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं कोविशील्ड ओको वैक्सीन को आज DCGI की ओर से मंजूरी दे दी गई है। अब इमरजेंसी डोसेज वैक्सीनेशन अब पूरे देश में इसका किया जा सकेगा। डॉक्टर उमा, लेकिन एक सवाल जो हर किसी के मन में है वो यही कि क्या नए स्ट्रेन पर भी ये वैक्सीन कारगर होगी। हालांकि भारत में अभी इसके केसेस बहुत ही कम है, लेकिन फिर भी आगे की तैयारी देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है यहाँ पे कि जो वायरसेस होते हैं उनमें म्यूटेशंस होते रहते हैं, तो इसलिए वायरस में ये म्यूटेशन डिटेक्ट होना कोई बहुत अनयूजुअल प्रोसेस नहीं है। दूसरी चीज, जो स्पाइक वायरस का जो दिखाया जा रहा है, लोगों को पता होगा कि उसके प्रोजेक्शंस निकले हुए दिख रहे हैं कोरोना वायरस के, जिनको स्पाइक्स कह देते हैं। तो जो स्पाइक होते हैं उसमें बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं, तो और उनको कुछ एक पर्टिकुलर जीनोम कोड करता है। तो जो म्यूटेशन हुआ है उसमें से कुछ जीनोम्स में हुआ है, तो इस और जो वैक्सीन है वो पूरे जो मेजॉरिटी ऑफ द स्पाइक प्रोटीन्स है वो पूरे सेगमेंट को कवर करके चलती है। तो इसीलिए ये वैक्सीन पूरी उम्मीद है कि जो म्यूटेंट स्ट्रेन है उसके अगेंस्ट भी इफेक्टिव होगी। तो मन में ये डर बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि ये वैक्सीन म्यूटेंट स्ट्रेन के अगेंस्ट काम नहीं करेगी। और अब और लेकिन साइंटिफिक डेटा इस बारे में आना बाकी है, लेकिन जो भी हाइपोथेसिस है उसके बेसिस पे ये लगता है कि ये जो वैक्सीन है वो इफेक्टिव होगी। एक चीज मैं यहाँ ये भी बताना चाहूंगी कि जो वैक्सीनेशन होता है उससे इंडिविजुअल खुद को तो प्रोटेक्ट करता है, लेकिन उसमें इंफेक्शन हो सकता है जो कि वो दूसरों में फैला सकता है। तो जब तक कि जो एंटायर पॉपुलेशन है उसमें इम्यूनिटी डेवलप नहीं हो जाती, चाहे वो वैक्सीनेशन से हो, चाहे वो खुद इन्फेक्शन अक्वायर करने से हो, या फिर जो बची हुई 10-20% पॉपुलेशन होगी उनमें हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी, तब तक जो प्रिकॉशंस हम ले रहे हैं, जो हमने आपने बात की कड़ाई की, वैक्सीन आ गई तो कड़ाई नहीं छोड़नी है, तो मास्क इस्तेमाल करते रहना है, हाइजीन की जो बात हो रही थी वो फॉलो करना है, और जहां तक हो सके फिजिकल डिस्टेंसिंग भी फॉलो करनी है। इसमें कोई भी डिलाई नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये जितने डॉक्टर साइंटिस्ट हैं वो भी कह रहे हैं, जितने खास लोग हैं वो भी कह रहे हैं, जितने आम हैं वो भी कह रहे हैं। एक बात ये तो गांठ बांध के रख लेनी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा, और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे वैक्सीन को मंजूरी मिलने के एक घंटे के भीतर ही कैसे सियासत भी शुरू हो गई। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने को वैक्सीन पर सवाल खड़े कर दिए हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। डॉक्टर संजय राय और डॉक्टर BL शेरवाल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनकी भी राय हम जानेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौट रहे हैं।